फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इस फार्म में हुई थी और यहाँ बनी थी झोपड़ी खेती के लिए। यहाँ पे बनाए थे, ये जो टुकड़ी दिख रही है ना वो यहीं पे बनाए थे खेती के। हाँ, खेती करते हैं यहाँ पे। खुद मैं यहीं पे था उस टाइम पे। अनुपम जी वो आते हैं ना, वो उधर है वो रास्ता पूरा आगे चल के उधर। हाँ, उधर से आते हैं वो, गाड़ी लेके आते हैं वो। ये यहाँ पे ये टीला है ना सामने, इस टीले से उतरती हूँ इधर से। हाँ, इधर से उतरती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लव सोनिया फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो देखिए, ये फिल्म आई थी 2018 के अंदर और इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिले थे अनुपम खेर, राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी। ये जो फिल्म है एक रियल इवेंट्स के ऊपर बेसिस है, एक रियल स्टोरी इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई गई है। तो आज मैं उस लोकेशन के ऊपर हूँ जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और अभी मैं बेसिकली उसी लोकेशन के ऊपर हूँ जहाँ से फिल्म का पहला सीन स्टार्ट होता है। यानी कि फिल्म जहाँ से स्टार्ट होती है ना, ये वही लोकेशन है। ठीक है, तो ये जो जगह है ये है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामोद एक जगह है और सामोद के अंदर भी एक जगह है जिसे बंदोल बोला जाता है। बंदोल में श्री मामाए माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो जब हम श्री मामाए माता जी के मंदिर की तरफ जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं, एक रास्ते के अंदर एक फार्म हाउस आता है, उसी फार्म हाउस के अंदर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और समथिंग वन मंथ यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे एक डिज़र्ट टाइप की लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। अभी मैं आपको सब कुछ बैक कैमरे से दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिल्म के अंदर जो सीन दिखाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं। फिल्म के अंदर जो सोनिया और जो प्रीति होते हैं और उनके जो माँ बाप होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे वो खेती करते हैं बेसिकली। तो एक खेती का सीन दिखाया गया है, उनका घर यहाँ पे रहता है। और फिल्म के अंदर एक स्कूल दिखाई गई है जहाँ पे प्रीति और सोनिया पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, ये जो फार्म हाउस आप देख पा रहे हैं ना, यहीं पे फिल्म के अंदर स्कूल भी बनाई गई थी। और बेसिकली इधर एक रास्ता है जिस रास्ते से अनुपम खेर आते अपनी गाड़ी लेके, जो सोनिया के जो पिताजी होते हैं उनसे अपने पैसे उधार पैसे हैं जो मांगने आते हैं, तो वो इधर एक रास्ता है जिस रास्ते से अनुपम खेर आते हैं। तो ये पूरी लोकेशन फिल्म के अंदर दिखाई गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर इस फिल्म की ये जो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा और ये वाली जो लोकेशन है ये भी फर्स्ट टाइम ये आपको मैं दिखाऊंगा। और देखिए, यहाँ पे वैसे और भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है और यहाँ पे बेसिकली फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। ये इधर देखिए, करण अर्जुन फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, पहली फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है और धर्मकांटा फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई है, गंगा की सौगंध की यहाँ पे शूटिंग हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है और बहुत से वीडियोस मैंने आपको यहाँ से दिखाए गए हैं। लेकिन ये जो लोकेशन है ये थोड़ा मतलब थोड़ा आगे चल के है, यहाँ पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ और ये लोकेशन मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वो फार्म हाउस है जिसे फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये लोकेशन मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट लगा के हर सीन को अच्छे से मैच करके देखेंगे कि कौन कौन सा सीन कहाँ कहाँ से दिखाया गया है। तो देखिए, ये जो सामने आप रूम्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो फिल्म के अंदर वो स्कूल बनाई गई थी। और देखिए, इधर सामने उनका घर बनाया गया था सोनिया के माता पिता का, जहाँ पर वो रहते हैं। और ये जो आप खेत आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो खेती करते हैं। तो सबसे पहले आप इस लोकेशन का आप नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ का। देखिए, इधर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जगह लगती है, मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है यहाँ पे आके। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आ रहा है। देखिए इधर ये डिज़र्ट टाइप का सीन है, यहाँ पे सामने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले भी हैं और पहाड़ भी हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कुछ शूट करना चाहते हैं तो बेशक आप यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं। मैं कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ शूट करना चाहते हैं, ये लोकेशन अगर आपको पसंद आती है तो। तो देखिए, ये सामने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था यहाँ पर और भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्में यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये पूरी लोकेशन है, यहाँ पे खेती भी होती है यहाँ पे। देखिए जो यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। और ये वो फार्म हाउस है जिसे फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो अभी हम चलते हैं
फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जहाँ से फिल्म का पहला सीन स्टार्ट होता है, ठीक है, जो स्कूल जहाँ से दिखाई गई है ना, वो मैं आपको आगे चल के मैच करवाता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिल्म का पहला सीन ही यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिल्म के स्टार्टिंग के एक सीन के अंदर देखिए, ये जो आप पेड़ आप देख पा रहे हैं ना, इस पेड़ के ऊपर एक तितली बैठी रहती है, और उस तितली को फिल्म के अंदर जो अमर होता है वो एक कांच की डिब्बी के अंदर कैद कर लेता है। तो ये बेसिकली वही पेड़ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वो स्कूल के बहुत से बच्चे खड़े रहते हैं, और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। देखिए इधर ये जो सामने पहाड़ है, इन पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। और अब मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे फिल्म के अंदर स्कूल बनाई गई थी। तो फिल्म के अंदर जो स्कूल दिखाई गई है वो भी देखिए यहीं से दिखाई गई है, जस्ट इसी लोकेशन के ऊपर। तो जिस प्रकार से कैमरा एंगल करके सीन फिल्म में दिखाया गया है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फिल्म के अंदर जो स्कूल का जो सीन दिखाया गया है ना, वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पे सामने वो बहुत से स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, और उनको सामने वो टीचर पढ़ाती रहती है। यहाँ पे वो एक बोर्ड लगा हुआ था, और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ था, तो ये आप मैच कर सकते हैं। और देखिए इस गेट को आप मैच कर सकते हैं, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। ये बेसिकली वही पेड़ है, और ये दोनों पेड़ आप मैच कर सकते हैं। पहाड़ का जो नज़ारा दिख रहा है वो आप मैच कर सकते हैं। और देखिए ये जो दीवार है ना, इस दीवार को भी आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्म के अंदर जो प्रीति और जो सोनिया होती है फिल्म में, और जो अमर होता है, वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर यहाँ से दिखाया गया है, ठीक है। यहीं पर वो एक तितली को कैद करता है एक पेड़ के ऊपर से, फिल्म में जो अमर होता है, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये वो लोकेशन है। अभी हम अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ उसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। ये देखिए जिस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है वो आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो अभी हम अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये भाई हमारे को यहाँ पर मिले हैं, और इनसे हमने बात की है, तो इन्होंने खुद यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होते हुए देखी है। तो ये हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लेके चल रहे हैं जहाँ पे फिल्म के अंदर सोनिया का घर दिखाया गया है, जहाँ पे वो झोंपड़ी बनाई गई थी, ठीक है, और जहाँ पे वो खेती करते हैं, जो रास्ता जहाँ से दिखाया जाता है। तो अभी हम उस लोकेशन के ऊपर चल रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं अभी। भैया कहाँ पे, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी, कौन सी जगह? फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इस फार्म में हुई थी, और यहाँ बनी थी झोपड़ी। झोपड़ी बनाई गई थी। हाँ, यहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन यही है। और वो खेती करते हैं जहाँ पे? खेती के लिए यहाँ पे बनाए थे, ये जो टुकड़ी दिख रही है ना आपको, यहीं पे बनाए थे वो खेती। हाँ, खेती करते हैं यहाँ पे। तो आपने खुद देखी थी? खुद मैं यहीं पे था उस टाइम पे, यहीं पे था मैं। अच्छा, और वो अनुपम खेर जो रास्ता आप बता रहे थे वो किधर है? वो अनुपम जी वो आते हैं ना, वो उधर है वो रास्ता पूरा आगे चल के, उधर। हाँ, उधर से आते हैं वो, गाड़ी लेके आते हैं वो। तो यहाँ पे कितने दिन यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी? यहाँ पे वो एक डेढ़ महीने लगा था यहाँ पे पूरा। एक डेढ़ महीना लगा था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे पूरी यहाँ पे सेटअप करे थे, खुद ही बनाए थे वो झोंपड़ी वगैरह। और हाँ, मजदूरों से बनवाए थे, मतलब बनवाए वो ही थे। हाँ, खुद मैंने खुद ने काम किया है ना उसमें। काम किया है? हाँ, जो जो वर्कर का जो हेल्पिंग का जो काम था मैंने करा था वहाँ पे। अनुपम खेर को वैसे देखा? हाँ, देखा है हमने। और वो एक दूसरी झोंपड़ी भी थी ना वो सामने? वो एक झोपड़ी वहाँ पे बनी है, वो नीम का पेड़ है वहाँ पे बनी है वो। हाँ, जो दोनों लड़कियाँ होती है वो उधर से आती है, वो किधर से आती है? ये यहाँ पे ये टीला है ना सामने, इस टीले से उतरती है वो। उतरती इधर से? हाँ, इधर से उतरती है वो। चलो भैया, थैंक यू। ठीक, क्या नाम आपका? शंकरलाल मैडम। तो दोस्तों, ये वो खेत है जिस खेत के अंदर फिल्म में सोनिया के माता पिता खेती करते हैं। तो फिल्म के एक सीन में देखिए, जो सोनिया के जो पिताजी होते हैं वो इस खेत के अंदर बैल से इस खेत को जोते रहते हैं, और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ये जो सामने पहाड़ है ना, इस पहाड़ को आप स्क्रीनशॉट के अंदर उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, और ये बेसिकली वही खेत है जो कि फिल्म में दिखाया गया है। अभी मैं आपको देखिए वो सीन दिखाता हूँ जहाँ पर सोनिया और उसका परिवार रहता है, यानी कि जहाँ पर फिल्म में जो झोंपड़ी बनाई गई थी ना, उनका घर जहाँ पे रहता है, वो अब मैं आपको मैच करवाता हूँ। तो देखिए ये खेत तो वही खेत है, लेकिन फिल्म में जहाँ पे झोपड़ी बनाई गई थी ना, वो जगह ये है। देखिए यहाँ पे सामने वो झोपड़ी थी, फ़िलहाल तो अभी वो झोपड़ी है नहीं, क्योंकि फिल्म वालों ने ही उस झोपड़ी को यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो एक झोपड़ी तो उन्होंने यहाँ पर बनाई थी, और एक झोंपड़ी देखिए इधर बनाई थी। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये लोकेशन मैच करवा देता हूँ। तो
यहाँ पे सोनिया और उसका परिवार रहता है, यहाँ पे खेती करता है। तो एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये जो सामने पहाड़ है ना, इस पहाड़ को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। अभी मैं देखिए जूम कर देता हूँ एक बार। तो देखिए अभी आप इस पहाड़ को, इसकी डिज़ाइन को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट इसी लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहीं पे वो झोंपड़ी बनाई गई थी। और देखिए इधर साइड में और जो पहाड़ों का जो नज़ारा दिख रहा है वो भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया जाता है। अब देखिए इसके बाद एक झोंपड़ी देखिए इधर बनाई गई थी फिल्म में। तो यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है, इधर सामने वो झोंपड़ी थी और उस खेत के अंदर एक ट्रैक्टर चलता रहता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख पा रहे हैं तो देखिए इस रेत के टीले के ऊपर एक फैक्ट्री का नज़ारा दिख रहा है, तो देखिए वो भी आप मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा ही नज़ारा दिख रहा है लेकिन सीन फिल्म का यहीं से दिखाया गया है। इधर देखिए ये वो रास्ता है जिस रास्ते से अनुपम खेर अपनी गाड़ी में बैठ के आते हैं, अभी वो सीन भी मैं आपको अच्छे से मैच करवा के दिखाऊंगा। उससे पहले एक सीन और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए ये जो सामने रेत का टीला आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से फिल्म का एक सीन दिखाया गया है, तो वो अभी मैं आपको उस रेत के टीले के ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए फिल्म का एक सीन यहाँ से दिखाया गया है। फिल्म के अंदर जो प्रीति और जो सोनिया होती है, जब वो स्कूल से लौटती रहती है ना, तो देखिए वो यहीं से आती रहती है। तो एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप पहाड़ का नज़ारा मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से वो आती रहती है, इसके बाद वो फिर इस रेत के टीले से नीचे उतर के जाती है और इधर यहाँ पे उनकी यहाँ पे उनका घर रहता है, वो झोंपड़ी इधर यहाँ पे रहती है और ये वो पूरा खेत रहता है। तो देखिए यहाँ से वो नीचे उतर के जाती है और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये इधर सामने जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों का ही नज़ारा मैच होता है बेसिकली। इनकी देखिए ये जो डिज़ाइन वगैरह है ये आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। मैं देखिए एक बार जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इस पहाड़ की डिज़ाइन आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक सीन को कुछ इस प्रकार से भी दिखाया गया है, जब अनुपम खेर यहाँ पे आते हैं ना, तो वो इस रास्ते से आते हैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के, और इसके बाद यहाँ पे एक गेट है जिस गेट से वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। और यहाँ पे जो सोनिया के जो पिताजी होते हैं वो यहाँ पे खेती करते रहते हैं, और इसके बाद जब अनुपम खेर यहाँ पे आते हैं तो सोनिया के पिताजी भागते हुए जाते हैं आगे की तरफ और फिर जाके गेट खोलते हैं गाड़ी का। तो ये नज़ारा देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। इस सीन को भी यहीं से दिखाया गया है। और ये देखिए ये पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। तो ये वो खेत है जैसे फिल्म में दिखाया गया है। अभी मैं देखिए थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर हूँ, तो यहाँ से आप एक बार और चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए तो अभी हम वापस नीचे चलते हैं और फिर मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ जहाँ से अनुपम खेर अपनी गाड़ी में बैठ के आते हैं। जिस प्रकार से कैमरा एंगल करके सीन दिखाया गया ना, वो नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन को यहाँ से दिखाया गया है, और इस सीन के अंदर देखिए जो अनुपम खेर होते हैं वो देखिए इस रास्ते से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के आते रहते हैं, और इसके बाद वो देखिए ये जो गेट आप देख पा रहे हैं ना इस फार्म हाउस का, इस गेट के अंदर यहाँ पे उनकी गाड़ी एंट्री होती है और इसके बाद यहाँ पे जाके वो गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। तो ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट के अंदर ये जो पहाड़ है इसे आप मैच कर सकते हैं, ये जो रास्ता है इसे आप मैच कर सकते हैं, और ये जो देखिए ये जो तार बाउंड्री जो हो रही है ना, ये आप देख सकते हैं उसी प्रकार से। ये जो मतलब जो गेट बना हुआ है इसे आप मैच कर सकते हैं, और ये इस प्रकार से ये जो रास्ता है ये आप मैच कर सकते हैं। तो इधर सामने से वो गाड़ी आती है और इसके बाद वो अनुपम खेर यहाँ पे उतरते हैं और फिर वो बातचीत करते हुए इधर जाते रहते हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे कुछ और पेड़ थे, ऊंचाई के पेड़ थे, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना, ये सीन भी बेसिकली इसी खेत के अंदर से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है जो कि यहाँ से दिखाई गई है।
तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी ये लोकेशंस मैंने आपको दिखाई है लव सोनिया फिल्म की, वो लोकेशन आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और ये वीडियो, ये लोकेशन अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप इस वीडियो को भी पसंद करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसी फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।